दोस्तों आईसीसी के सभी टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की भी कप्तानी करते हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने 9 बार प्लेऑफ खेला है और वहीं 3 बार चैंपियन भी बनी है। दोस्तों वैसे इस वक्त धोनी की उम्र जल्द ही 40 वर्ष का पड़ाव भी छूने वाली है। दोस्तों ऐसे में माना जा रहा है कि सीजन उनका यह आखिरी होने वाला है। आईपीएल में अब तक उन्होंने कुल 13 सीजन में खेला है और 12 में कप्तानी भी कर चुके हैं। तो अगर सच में यह सीजन उनका आईपीएल का आखिरी सीजन हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी किसे मिलेगी, और यह आज की इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने वाले हैं। वैसे तो रैना भी एक उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी भी उम्र ढलती जा रही है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइज को उनके लिए एक ऐसा कप्तान चाहिए होगा जो लंबे समय तक टीम के लिए प्रतिनिधित्व करे। ऐसे में दोस्तों 3 खिलाड़ियों का नाम जहन में आता है और वह कप्तानी के दरमदार के लिए अव्वल दर्जे पर आते भी हैं। तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। नंबर 1 पर बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। धोनी के बाद अगर कप्तानी के लिए कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा फिट बैठता है तो वह अनुभवी रविंद्र जडेजा ही है। दोस्तों टीम के ऑलराउंडर का रोल निभाने वाले जड्डू के नाम से फेमस यह खिलाड़ी सिर्फ भारतीय टीम भी नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों आईपीएल में डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों में से एक जडेजा 20वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों में 5वें स्थान पर भी आते हैं। और यही नहीं बल्कि उन्होंने आईपीएल में 2000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट भी अपने नाम किए हैं और वे कप्तान के रूप में प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइज के लिए। अब चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। कुल 39 T20 मैचों का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने साल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलकर अपना आईपीएल करियर का शुभारंभ किया था। हालांकि उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में अपने उज्जवल भविष्य की झलक दे दी थी, हालांकि जिसमें उन्होंने 72 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था। साथ ही अभी वो सिर्फ 24 साल के हैं और आईपीएल के करियर की शुरुआत में ही उन्होंने 51 की औसत से 204 रन भी अपने नाम कर चुके हैं और ऋतुराज 2 बार इसमें नॉट आउट भी रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, वह टीम के लिए ओपन करने के बाद लंबी पारी भी खेलने का काफी ज्यादा दारोमदार भी रखते हैं और एक कप्तान के रूप में भी वे नेतृत्व करने की पूरी क्षमता भी रखते हैं। अब चलिए नंबर 3 पर बात करते हैं नारायण जगदीशन की। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किए गए नारायण जगदीशन ने अभी तक सिर्फ 5 मैच ही खेले हैं, लेकिन इस सिर्फ 25 साल की उम्र के खिलाड़ी ने 35 T20 मैचों में अपना अनुभव तो दिखा दिया और इस खिलाड़ी ने 125 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 10 बार नॉट आउट रहते हुए 702 रन भी बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल रिटायरमेंट के बाद उनको शायद टीम की कमान भी दी जा सकती है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो उनके पास काफी लंबा वक्त होगा टीम को समझने के और मजबूत बनाने के लिए, साथ ही धोनी के बाद वो विकेट कीपिंग भी संभाल सके हैं। और तो वो साल 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन महज 8 मैचों में 364 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। तो दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद जगदीशन भी कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स के बन सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे 3 खिलाड़ी जो महेंद्र सिंह धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालने का पूरा दारोमदार रखते हैं। आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन से खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालने का पूरा दारोमदार रखते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए सभी क्रिकेट फैंस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करके और भी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं।